तो बोगी के अंदर घुसे तो देखा वहां पे ऐसे इंक्लाइंड हो रखा है डब्बा और सारे एक के ऊपर एक डंप पड़े हुए, मतलब 20-30 लोगों का एक डंप पड़ा हुआ है। तो यही समझ में नहीं आ रहा था यार किसको उठाएं कैसे उठाएं, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो उसका मुंह भी कम ही खुला हुआ था उसको उठा भी नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, फिर जाके एक एक करके निकाला और फिर जब तक निकाल रहे थे तब तक मैंने देखा कि मैं वहां पे पांव रखा तो ना एक बंदा मेरा टांग पकड़ लेता है, मतलब ये बंदा मुझे बचाएगा। तो मैंने फिर वहां से दो जो डेड थे मैंने उनको चेक किया थोड़ा सा, मैंने कहा ये और मोबाइल लाइट में ये सारा काम मोबाइल लाइट में हो रहा था, उनको साइड किया तो वो कर रहे थे, तो उनको मैंने उठा करके उनको मैंने थोड़ा भरोसा दिलाया, मैंने कहा आप जिंदा हो ठीक है, आपने हिम्मत दिखाई है आप जिंदा हो, तो उनको हमने निकाला। तो ऐसे करके प्रेग्नेंट लेडी थे वो बिखर के पड़े हुए, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की उनका ऊपर है, वो सबसे ऊपर जो बोगी था उसके ऊपर मैंने चढ़ा और वहाँ पे जाके अंदर में उस लड़की को बचाया इमरजेंसी विंडो से। फिर वहाँ पे देखा बहुत लोग पड़े हुए, फिर वहाँ पे देखा कि कुछ लोगों को हम बचा सकते हैं और कुछ लोगों को हम नहीं बचा सकते, क्योंकि जो वेट पड़ा हुआ था उनके ऊपर जो घुस गया था तार वगैरह जो जाली वगैरह होते हैं उनको बिना काटे ही नहीं हो सकते। मैंने देखा है कि एक अजीब सा शक्ति आ गया था लोकल लोगों के अंदर, जिन्होंने बिल्कुल जो छोटे छोटे लड़के थे बच्चे थे उन्होंने पानी किसी ने पिलाया तो कोई उठा के वो कर रहा है, सब थोड़े से डर रहे, तो मैंने कहा कि भाई चलो सब साथ में चलेंगे। तो लेकिन इन लोगों ने वास्तव में वो काम किया है, मैं खुद आर्मी में रहा हूँ मैंने लड़ाई देखी है, मैं रियलाइज़ किया हूँ कि जो आर्मी को बुलाया जाता है इमरजेंसी आपातकाल में, लेकिन ये ऐसा आपातकाल था जहाँ पर आर्मी को भी इतना जल्दी नहीं बुलाया जा सकता था जिस उम्मीद में लोग बैठे हुए थे। मैंने उस आदमी को कमिटमेंट किया था कि यार तू जिंदा रहेगा, मैं उस इमोशन में मैं भागे गया 4 किलोमीटर, तो हम दौड़ के गए उसको साथ में लेके आए, उस बंदे को उठाया और वो जिंदा गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा जितने 28 लोगों को मैंने खुद जिंदा बचाया। जाच्छम चेन्नई बालेश्वरती के जार पर ट्रेन खूब जोरे आसछिलो, तारपर एखाने शब्द हलो एकटा हुटात करे, तारपरे पुरो अंधकार हये गेलो आर काउके कोनो देखते पाओया जाच्छे ना। আমার হাতে লেগেছে, এখানে লেগেছে, পায়ে লেগেছে, মাথায় লেগেছে। কোরমন্ডল মে হামলোক সহি সে বেঠ গে, গাড়ি ভি 120-125 কে স্পিড সে চল রহি থি। উসকে বাদ কিয়া হুয়া 6:57 মে ইমার্জেন্সি ব্রেক লাগা, তো ব্রেক লাগতে হি মহসুস হো গিয়া কি কোই ঘটনা হো গিয়া। উসকে বাদ ব্রেক লাগনে কে বাদ মে পুরে পাবলিক নিচে গির গয়ে, জো স্লিপার মে থে উপর মে থে মিডল মে থে और पूरे लोग चिल्लाने लगे रोने लगे, पूरा ब्राम 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 आवाज़ आ रहा था। तो हम लोग का गाड़ी डिरेल होने के बाद में बहुत दूर तक घसीटते हुए गया, एकदम इतना घर्षण हुआ इतना साउंड हुआ कि लगा कि कोई बहुत बड़ा मैंने ब्लास्ट हो गया। फिर 3 मिनट तक गाड़ी घिसते रहा, 3 मिनट बाद गाड़ी रुकी, रुकने के बाद में हमने तुरंत क्या किया अपने फैमिली को संभाला और सब लोग चिल्ला रहे थे। जब गेट खोला तो देखिए कि ट्रेन कोई इंजन इधर है बोगी उधर है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, पूरी लाइन टूटी हुई है, बिजली की पोल टूटी हुई है। फिर टूटने के बाद में क्या हुआ कि हम लोग धीरे से बाहर आए, पब्लिक ने हेल्प किया, कुछ लोग जिंदा बचाने की कोशिश की लेकिन वो मर गए, मतलब वो जीवित नहीं होंगे वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन कम से कम हम लोग जो शुरू में गए थे जो जितने लड़के 150 लोगों को हमने बचाया,